प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 व्याकरण पाठ से शब्द निर्माण करते रहूंगा। तो शब्द निर्माण से क्या करें, शब्द निर्माण तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। उपसर्ग मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है और प्रत्यय दूसरा जो है प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण करना पड़ा। तो सबसे पहले आप कहेंगे प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द में पिछले रहते हैं, पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, या ठीक है, ये तो गया। अब इसके बाद ये तो गया प्रत्यय। इसे मान लीजिए हिंदी में, इसे मान लीजिए पर लोहा धनपाल, ठीक है, हम देखते हैं क्या लोहा, ठीक है, इस तरह मूल शब्द में पीछे जुड़ जाता है, जुड़ करके उसके भाव को बदल देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके भेद देखिए, प्रत्यय प्रत्यय की भेद तद्भिद प्रत्यय है और नंबर दो है कृत प्रत्यय। ठीक है, तो तद्भिद प्रत्यय के भेद देखिए, तद्भिद प्रत्यय में जैसे कृत प्रत्यय होते हैं क्या, तो तद्भिद प्रत्यय सर्वनाम विशेषण तथा अविकारी शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्भिद प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तद्भिद प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अविकारी शब्दों के अंत में जोड़े वाले शब्दों को तद्भिद प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा ले लीजिए, आप संज्ञा ले लीजिए, संज्ञा में जैसे सोना धन और हो गया सुनार, तो ना इसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम अपना धन तो आप बन गया अपना। ठीक, इस तरह विशेषण, विशेषण में वीर धनता बन गया वीरता। इस प्रकार अव्यय, अव्यय धन ई हो गया तेजी। तो इस प्रकार सभी प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, और अव्यय में जुड़ करके उसके अर्थ को बदलते हैं। तो संज्ञा में सोना धारा सोना, सर्वनाम में अपना धन को अपना, विशेषण वीर धनता वीरता, अव्यय तेजी तेजी हो गए सभी प्रत्यय। अब तद्भिद प्रत्यय की भेद देखिए, तद्भिद प्रत्यय में एक कर्तृवाचक होता है कर्तृवाचक, ठीक है, फिर है भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीवाचक और गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणवाचक। तो कर्तृवाचक में क्या होता है, कर्तृवाचक जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, के अंत में जुड़ करके उसके भाव को बदलते हैं, वो क्या कहते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। लोहा धनहार, ठीक है, लोहार। फिर भाववाचक में जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में जो करके उसके भाव को बदलते हैं, ठीक है, तो शब्द को बदल देते हैं, उसे कहते हैं हम भाववाचक। जैसे अमीर धनी बन गया अमीरी। इसे संबंधवाचक जो पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के रूप में जो करके उसके भाव को बदलते हैं, तो क्या हो जाता है मामा धनेरा, मतलब सबको बदल देते हैं मामा धन एरा ममेरा होते हैं। लघुता वाचक जो प्रत्यय, ठीक है, उन सबके अंत में लगते हैं उसकी लघुता को बदल दर्शाते हैं, जैसे लुटा धन या लुटिया हो गया। उसी प्रकार स्त्रीवाचक क्या है, जो शब्द जो प्रत्यय किसी शब्द में अंत में जुड़ करके उसके स्त्रित्व होने का बोध कराते हैं, जैसे माली धनी माली, तो क्या हो गया स्त्रीवाचक। गुणवाचक जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके, ठीक है, उसके भाव को मतलब उसे गुण को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं गुणवाचक, जैसे लोभ धनी लोभी। उसी प्रकार सादृश्यता होता है, ठीक है, तो जो शब्द या जो प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ करके उसके भाव में सादृश्यता प्रकट करते हैं, चाहे असमानता प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सादृश्यवाचक, जैसे सुगंध हरा क्या होगा सुहरा हो गया। इसी प्रकार गणवाचक, गणवाचक जो प्रत्यय, ठीक है,
इन सब में जोड़ करके उसके गलत उत्तर आते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए 3 घन सरा क्या हो गया 30 का। इस प्रकार से जो है ये कर्तृवाचक हो गया प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की वजह से ये हो गया तद्धित प्रत्यय। अब दूसरा देखिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर क्रिया के मूल भाग में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्या है, नंबर एक को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे कर्तृवाचक क्या है, क्या करता है, ऊन धर्मा ऊन भार क्या करता है, कर्ता का बोध कराता है या क्रिया को करने वाले को कराता है, ऊन धनार ऊन लगा। दूसरा है कर्मवाचक, कर्मवाचक यहाँ कर्म का बोध जैसे खा धन नाम खाना हो गया। इसी प्रकार कर्मवाचक मतलब ये सबसे साधन का बोध कराता है जैसे रे धन की या नहीं रेत धन की, रेत धन की मिलेगा रेती। भाववाचक, भाववाचक देखिए इसे पढ़ धनाई या भाव को दर्शाता है पढ़ाई हुई। इसी प्रकार आखिर है क्रिया द्योतक, क्रिया द्योतक जैसे जो क्रिया का बोध कराता है जा धन दा जाता हो गया। कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा होता है, इसे देख लीजिए। इसे हम अगर उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय ध्यान लगा दिए आदि धनमान धन की अभिमानी तो ये उपसर्ग कुछ ऐसे शब्द है जिसमें हम उपसर्ग को प्रत्यय दोनों लगा देते साथ साथ, अब कह दिए मुसलमान हो गया अभिमान नहीं हो गया। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।